तक पहुंचाएंगे। जामिया कराची के हवाले से, जामिया कराची की अकबी दीवार टूट फूट का शिकार हो गई है, पूरी तरह से टूट गई है, जिससे दहशतगर्दी का खतरा हो सकता है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जामिया कराची की अकबी दीवार जो है वो टूट फूट का शिकार हो चुकी है, जिससे दहशतगर्दी का खतरा जो है वो मंडलाने लगा है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं दिली धराई से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी की जो पिछली दीवार है मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, और ये जो है रास्ता जो यहाँ पे रोड है ये मौसमियात से डाउ यूनिवर्सिटी से होता हुआ ये रास्ता सीधा जो है वो सुराब गोडू की तरफ जाता है। मैं आपको बताऊँ कि गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में ज़रई डायरेक्टोरेट के बाद जो एक दहशतगर्दी का वाक़ सामने आया, इससे पहले भी पिशावर में कई बार इस तरह के वाक़ हो चुके हैं, शहर कराची में भी इस तरह के कई दहशतगर्दी के वाक़ हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जामिया कराची जो इसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके जो बैक साइड की दीवार है गुज़श्ता 3 माह से जो है वो ये टूटी हुई है। और यहाँ पे जो अंदर रास्ता है बाकायदा कैमरा मैन अमर दिखा रहा है कि सामने ही एक डिपार्टमेंट नज़र आ रहा है, और यहाँ से आराम से गुजरने का जो रास्ता है मौजूद है। इस जगह तो टूटी हुई है, और इससे थोड़ा सा आगे चले जाएँ तो बहुत तकरीबन कोई 100 फीट के करीब जो दीवार है वो घिरी हुई है। जब भी हमारी कराची यूनिवर्सिटी इंतजामिया से बात होती है तो उनका ये कहना होता है कि वो केडी वाले जो हैं वो ये यूनिवर्सिटी की दीवार आके गिराते हैं, और यहाँ पे उन्होंने कचरा कुंडी बना रखी है, और जो भी है वो कचरा यहाँ पे आके डंप करते हैं, उसके बाद यहाँ से उठा के वो जो है कचरा कहीं और लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये समझ से बालातर है कि कराची यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया केडीए वालों को मना क्यों नहीं करती या नोटिस क्यों नहीं जारी कर रही कि इतनी बड़ी जामिया कराची है और उसको यहाँ पर कचरा कुंडी बना रखी है और आके वो तोड़े। केयू के जो वाइस चांसलर गुज़श्ता दिनों उन्होंने बाकायदा इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और बड़ी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाकायदा वाजे किया कि केडीए ये जो दीवार है पहले भी 2 से 3 बार टूट चुकी है और उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने बनाई है, लेकिन उसके बावजूद केडीए वाले आके तोड़ते हैं, और अब पता नहीं ये दीवार क्यों नहीं बना पा रहे। 3 माह गुजर गए और इस तरह के जो वाक़े दहशतगर्दी के गुज़श्ता दिनों कराची में होने वाले दहशतगर्दी के जो वाक़े थे उसमें जो मुलव्वस अफराद थे एजेंसियों ने बाकायदा उनका भी ये जिक्र किया है कि वो उनका ताल्लुक है कराची यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से रहा है और वो यहाँ से बाकायदा तालीम हासिल करते रहे, लेकिन उसके बावजूद कराची यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर ये एक सवाल है कि मुल्क भर में इस तरह की दहशतगर्दी के वाक़ हो रहे हैं लेकिन जामिया कराची की जो दीवार टूटी हुई सिक्योरिटी का जो इतना बड़ा मसला है वो अभी तक हल नहीं हो पा रहा। जी ठीक है दिली सराई, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जामिया कराची की अकबी दीवार टूट फूट का शिकार है, जिससे दहशतगर्दी का खतरा जो है मंडलाने लगा है, कोई भी बड़ा सानिया हो सकता है। मेट्रो 1 न्यूज़ कर रहा है निशानदही जामिया कराची को किसी बड़े सानिये से बचाने के लिए। जामिया कराची की अकबी दीवार जो है टूट फूट का शिकार है, जिससे दहशतगर्दी का खतरा हो सकता है, कोई भी बड़ा सानिया रोनुमा हो सकता है। मेट्रो 1 न्यूज़ कर रहा है निशानदही जामिया कराची को बड़े सानिये से बचाने के लिए। आपको हम खबर दे रहे हैं जामिया कराची से। जामिया कराची की अकबी दीवार जो है वो टूट फूट का शिकार है, जिससे दहशतगर्दी का खतरा जो है वो मंडलाने लगा है, कोई भी बड़ा सानिया जो है वो रोनुमा हो सकता है। मेट्रो 1 न्यूज कर रहा है निशानदही आप तक, खुद निशानदही कर रहा है जामिया कराची को किसी बड़े सानिये से बचाने के लिए।